राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कह रहे कि राजनीतिक नहीं वैचारिक यात्रा है, लेकिन अब कांग्रेस को यह समझना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा तो ऐसे में कांग्रेस का जो वर्चस्व खत्म होता जा रहा है उसे किस तरीके से ढूंढा जाएगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर यात्रा करता है तो वो कहे कि ये वैचारिक यात्रा है, उसके लिए वैचारिक यात्रा हो सकती है, लेकिन राजनीति उससे अलग नहीं हो सकती, उससे इतर नहीं हो सकती। वो जब चल रहे हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने, देखिए, राजनीति की भी बातें की, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें की, उन्होंने ये कहा कि ये करप्शन है, उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो गारंटी देते हैं कि जो ईडी सीबीआई के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी ये सब कर रहे हैं उनको इसकी सजा मिलेगी। तो वो एक राजनीति की बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम मुद्दों पर सवालों का जवाब देते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता हैं और सबसे बड़े नेता हैं, तो अगर वो नेता हैं तो वो सिर्फ वैचारिक यात्रा पर हो सकता है कि वो जा रहे हों, लेकिन राजनीति ना हो उनके इर्द गिर्द ये संभव नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है, देखिए, जो पटना से माहौल बना था और बेंगलोर होते हुए, मुंबई होते हुए बहुत सारी जगहों पर यह गया था कारवां, अगर उसमें दो तीन बातें नहीं होती, जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव अगर जीत जाता इंडिया गठबंधन, अगर ममता बनर्जी साथ न छोड़ती, अगर नीतीश कुमार साथ रहते, तो आज माहौल अलग होता, तस्वीर अलग होती और जो सियासी तापमान वो कहीं ज्यादा होता। लेकिन एक के बाद एक झटके जो इंडिया गठबंधन को मिलते गए उससे उसकी जो तैयारी थी उसको झटका लगा। लेकिन अब भी अगर आप बात करें कांग्रेस के नेताओं को तो वो कहेंगे 2004 का उदाहरण देंगे कि इंडिया शाइनिंग, बीजेपी जीतती हुई लग रही थी, वाजपेयी गवर्नमेंट आती हुई दिख रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सरकार बदल गई। तो उसी पर उम्मीद ऐसे हैं अरुण, जिन्होंने 2024 के चुनावों की तस्वीर बदल कर रखती है। मेरे सहयोगी बिहार के पटना से चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीतिक तस्वीर जो हमने अलग सी देखी, उसका चुनावों पर क्या असर फिलहाल ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये कहा जाता है कि बिहार में तीन धुरियां हैं राजनीतिक की, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ लालू यादव हैं, और दो जो एक साथ रहते हैं उनको फायदा ही मिलता है। और ऐसी ही तस्वीर कुछ पहले भी बनते हुए दिख रही थी जब इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, और अब चुनावों की तारीख का ऐलान होने जा रहा है, जाहिर सी बात है इसका फायदा एनडीए को पूरी तरीके से मिलने जा रहा है। 40 बिहार में लोकसभा सीट है जिसमें 39 अभी एनडीए के पास है, एक जो है वो कांग्रेस के पास है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, चुनावों के तारीख का ऐलान होने जा रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या मानते हैं? इसको यही मानते हैं, दुनिया मोदी में है, मोदी जी को पूरा वोट मिलेगा, 40 का 40 सीट मिलेगा, और कोई दूसरा नेता है ही नहीं। क्या होने वाला है इस बार बिहार में 40 का 40? जिस तरीके से हनुमान जी का चालीसा देखे होंगे आप लोग, तो बिहार में निश्चित तौर पे 40 का 40 होगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का 40 का 40 सांसद होंगे बिहार में, और देश में 400 पार, जिस तरीके से मोदी जी का जो नारा है वो सत्य होगा। और मोदी जी का नारा सत्य होगा, साफ तौर पर लोगों का मानना है कि इस बार 40 के 40 एनडीए के झोली में जाने वाला है। बिल्कुल, और चंद्रमोहन, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। मेरे सहयोगी लखनऊ से अमित मेरे साथ लगातार बने हुए। अमित, देश का सबसे बड़ा सूबा जो है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और उसका नेतृत्व करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें अखिलेश और राहुल गांधी के साथ आने से क्या कोई तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है सूबे की? देखिए, अब भले ही चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चुनावी मूड में उत्तर प्रदेश आ चुका है। रोजाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सभाएं करते हैं, लोकार्पण लगातार वो तमाम जिलों में वो कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें विपक्ष की, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भले ही एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, भले ही इंडी गठबंधन में उनका सीटों का समझौता हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर उसका असर दिखता नहीं दिख रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, चूंकि चुनावी मूड में अभी से ही उत्तर प्रदेश आ चुका है। क्या कहेंगे आप 3 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? कुल मिलाकर के मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहे हैं और पूरे भारत को पूरे विश्व के अंदर एक उसकी एक अलग छाप और एक अलग गरिमा का स्थान दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वहीं पर विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। मैं पहली बार कहने जा रहा हूं कि सारे विपक्ष को भी इस बात का एहसास हो गया है कि जीतना तो दूर, अपना अस्तित्व बचाना यही बहुत है, अस्तित्व बचाना बहुत। आप क्या कहेंगे, मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं आज? ठीक है अमित, लेकिन एक तरफ देखिए एनडीए गठबंधन जो पूरी तरह से एकजुट है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो टूटा हुआ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, फिर लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक की JKLF एसोसिएशन पर बैन बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने अगले 5 साल के लिए JKLF पर बैन को बढ़ा दिया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी और उन्होंने लिखा, राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जेएकेएल पर दरअसल 5 साल का बैन जो है बढ़ा दिया गया है। यासिन मलिक की है ये, जेकेएलएफ एसोसिएशन, जिस पर बैन को केंद्र सरकार ने अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है, सीधा हमारे सहयोगी आनंद का भी रुख कर लेंगे। आनंद, कम से कम ये जो 2 केस थे उसमें एक केस में तो थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, बेल मिल गई है अरविंद केजरीवाल को? देखिए अंकिता, ये इतना पेचीदा मामला है, मैं आपको बता दूं, ये जो जमानत मिली है, जो जानकारी मिल रही है, ये जो 174 की जो कार्रवाई थी, जो ईडी ने कंप्लेंट फाइल की थी, वो एक जमानती अपराध था। उस मामले में जो बेल बॉन्ड भरा है अरविंद केजरीवाल तरफ से, उस पर उन्हें बेल जो है जमानत दी गई है। लेकिन अभी जो ईडी ने सम्मन्स किए हैं लगातार, उस पर आगे अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, जो ईडी सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें 8 सम्मन्स भेजे जा चुके हैं और जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें ईडी फिर से सम्मन्स कर सकती है पूछताछ में शामिल होने के लिए, बुलाने के लिए। तो अभी अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है, वो जो ईडी ने जो कंप्लेंट फाइल की थी, उस मामले में उन्हें जमानत मिली है, जो जानकारी अब तक मिल रही है, जो सामने आ रही है। ठीक है आनंद, बने रहिए हमारे साथ, आप हम एक बार मानव का भी रुख कर लेंगे। मानव, अभी फिलहाल के लिए ये फौरी तौर पर राहत दिखाई दे रही है, लेकिन मामला क्या आगे पेचीदा समझें या राहें आसान होंगी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्या देख पा रहे हैं आप आगे? बिल्कुल, देखिए हमको इसमें इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट ने और क्या क्या कहा है इस मामले में। जमानत मिल चुकी है, अरविंद केजरीवाल कोर्ट से भी निकल गए हैं, ये मैं अपने दर्शकों को ताज़ा अपडेट दे रहा हूं, और ये जो सारी जानकारी हमको लाइव वहाँ से मिल रही है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा, कुछ कहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे इस पूरे कथित शराब घोटाले की एक दिशा, जाँच की दिशा तय होगी कि आगे किस दिशा में ये जांच जाएगी। क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं, वो ईडी के सवालों के जवाब देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जांच में सहयोग होगा। और ईडी भी यही दलील कोर्ट में दे रही है, जमानत मिलना अलग चीज है, क्योंकि टेक्निकल पहलू है, जमानती धाराओं में ईडी ने शिकायत दी थी कोर्ट के अंदर, उसमें जमानत मिल गई है 15,000 के निजी मुचलके पर। लेकिन कोर्ट ने बाकी क्या कुछ चीजें कही हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उससे इस पूरे मामले की जो दिशा है वो तय होनी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया है, मुख्यमंत्री भी है, और इसके साथ साथ उनकी देखरेख में ये सारा मामला हुआ है, ऐसा ईडी दावा करती रही है। आनंद, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं रमेश गुप्ता, क्या कोई जानकारी इस बारे में निकलकर सामने आई है कि उन्होंने क्या दलील दी है कोर्ट के सामने? देखिए कुछ देर के बाद जो रमेश गुप्ता हैं, वो भी वहां पर मीडिया से बात करेंगे, बताएंगे कि किस तरह की पूरी कोर्ट की सुनवाई रही है। लेकिन जो अंकिता जानकारी मिल रही है, जो जमानत मिली है, आनंद लौटेंगे आपके पास अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले पर, हम सीधा प्रियंका को रुक कर लेंगे। प्रियंका, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? प्रियंका, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? प्रियंका का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्हें निजी मुचलके पर 15,000 के निजी मुचलके पर फिलहाल के लिए बेल दे दी गई है। और ईडी की याचिका से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था, जिस पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी किया गया था।